अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और यार आई नो काफ़ी टाइम बाद व्लॉग आ रहा है। बस यार आप लोगों ने जो है ना मेरी नहीं सुनी, मेरी नहीं मानी। मैंने आपको 30 लाइक का बोला था, आपने नहीं करवाया, तो कोई बात नहीं यार, अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, जैसा आपको दिल करे ब्रो। और सुबह सुबह अभी हम ग्राउंड में आए हैं, काफ़ी मज़ेदार ग्राउंड, फुल अभी तो खाली है, तभी तो आपका भाई व्लॉग कर रहा है, नहीं तो फिर हमने भी व्लॉग थोड़ी कर रहे होना था। बाहर धूप फुल मुँह के ऊपर है और अभी हमने नाश्ता वगैरह करना है और मेरे साथ है। हाँ जी, क्या हाल चल रहा है? इस तरफ आओगे तो मेरी नज़र, हाँ मैं इस तरफ चले जाता हूँ। क्या हाल चल है भाई जान? गुड मॉर्निंग। ओ पागल है, ये हम बचपन में ये स्लाइडें स्लूडें जो होती हैं बचपन की चलती हैं, हाँ बचपन में लेते हैं। आप जाओ दोबारा लेकर आ, ये मुझे पकड़ा। नहीं भाई मैं नहीं जाता। मैं जाता हूँ फिर, ये ले तू, तू वीडियो पकड़, तू वीडियो पकड़, मैं जाता हूँ। अच्छा, एक स्ट्रेट और एक इजी जैक है, कौन सी पे है? इजी जैक पे है, इजी जैक पे है। फंस गया, मोटा फंस गया। पागल सारी पेंट गलती बजनी, मैं तो भूल गया। मोटा फंस गया सारा। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ओए दिल का चैन, ओए दिल का चैन, ओए। नाश्ता करना है फिर। आने वाले थे मगर इन भाई को, भाई साहब को जो है ना अपनी टिकटॉक बनानी थी, टिकटॉक शिकटॉक बना रही है। अब हम जो है घर जाते हैं और नाश्ता करना है अभी सबसे पहले रास्ते में। अब हमारे लिए एक आ गया डिफिकल्ट टास्क, हमारी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है। चल 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 चल, बाइक को चलाओ, धक्के मारो इसको, धक्के मारो, चल 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 चल, मेरे घोड़े आ गए, पेट्रोल पंप जल्दी कर, थोड़ा सा रह गया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं अब्दुल रहमान वो अपना डायलॉग। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सामाली। अस्सलाम वालेकुम। नहीं अब्दुल रहमान वो वाली काम नहीं तू कर रहा है। बहरहाल हम छत पे चढ़े हैं अपने खाला के घर आए हैं और मौसम आ हा 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 हा, मौसम 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 कमाल का हुआ है, देख सकते हो। और आपको जो है अभी हम दूरबीन से दिखाते हैं, ये देखो जी क्या बात है, दूरबीन से ज्यादा प्यारा व्यू आ रहा है। ये क्या है? और चेक करो व्यू, कमाल है भाई। मैं कह रहा था कि मौसम आज काफ़ी मज़े का हुआ है और ठंड आ रहा है कभी। ओहो प्लेन, आपको हम अपने फ़ोन से S23 अल्ट्रा दिखाता हूँ, क्या बात है। तो मैं कह रहा था यार कि मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा ठंडा हुआ है, और एक सेकंड ज़रा, हाँ तो मैं कह रहा था कि काफ़ी ठंडा मौसम हुआ और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपकी बेकी जो है ना आजकल थोड़ी देर तबीयत जो है वो थोड़ी देर डाउन चल रही है, नज़ला वगैरह आपको वहाँ सुन के भी पता लग रहा होगा। मौसम की तब्दीली है, अब तबीयत हर किसी की ख़राब हो रही है और मौसम काफ़ी मज़ेदार है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहरहाल अब नीचे चलते हैं, ठंड बहुत लग रही है और नज़ला आ रहा है भाई। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट डे में आपका वेलकम करते हैं और उम्मीद करता हूँ यार आपको जो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है वो आपको पसंद आई होगी। और यार लाजमी बताना है यार कि कैसी लगी, और काफ़ी मज़ेदार वीडियो थी। और यार मैंने अलग अलग बदल बदल के करेक्टर जो है वो वीडियो बनाई है। बहरहाल आपको पता है रमज़ान आने वाले हैं, तो मैं बिल्कुल चांद रहती हैं ईद से कुछ देर पहले नहीं कटिंग करवाता क्योंकि फिर जो है ना रश काफ़ी लग जाती दुकानों पे एक तो, और दूसरा कि मुझे फिर रश में बैठना मुझे पसंद है, और उस टाइम तक ना बाल की जो है वो सेटिंग वो उस तरह की नहीं होती क्योंकि अब महीना जब रह जाएगा, पूरा महीना जब गुजर जाएगा तब तक ज़रा थोड़ी सी बालों की सेटिंग भी आ जाएगी जिससे मैं प्यारा भी देखूंगा। तो अभी जो है फिलहाल मैंने कटिंग करवानी है, काफ़ी लंबे बाल हो गए हैं, आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ तक आते हैं यहाँ तक।
तो अभी जो है इनको जाके कटवाते हैं। देखो इतना गंदा छत्ता हो गया कि जब भी मैं इसको जब यूँ बाल बनाने की कोशिश करता हूँ तो बनते नहीं है, अलग से ख़राब ही हो जाते हैं। देखो और अभी फ़िलहाल मैं अपने कज़न के घर आया हूँ, यहाँ से मैंने जाना है कटिंग करवाने और बाहर आल सारा कुछ देख लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं कटिंग कराने सीधा, लेट्स गो। अनिल यार दुकान शुकान पर आ गए हम, बड़ी दुकानें फिर और लोगों ने बोला जुम्मे के बाद कटिंग करवानी थी। अभी भाई बाहर वगैरह जाके बैठो, अभी हम करते थे कटिंग, तो अभी यहाँ से कटिंग शटिंग कराते हैं और फिर निकलते हैं वापस। बंदा बैठा के चला गया यार, वापस बाहर चला गया, अब क्या करें। 6.5 hours later. हाँ तो यार कटिंग शटिंग करवा के आ गए और आप लोग कह रहे हो टोपी शोपी क्यों पहनी है यार, पहले बाल देख लो फिर बात करते हैं। उन्होंने कटिंग करवानी है, काफी लंबे बाल हो गए हैं, यहाँ तक आते हैं यहाँ तक। तो नहीं यार यानी कि कुछ भी यार, इस बंदे को मैंने कटिंग का बोला है कि यार आपने प्यारी सी एक अच्छी सी कटिंग कर देनी है, और आपको पता है जहाँ से आपका भाई अक्सर करवाता होता है वो दुकान बंद थी। और वो दुकान बंद क्यों थी, क्योंकि जुम्मे का टाइम हो रहा था और वहाँ पर मैं गया मगर वो दुकान बंद थी। बाकी जो है यार उस बंदे ने ये बाल की तबाही मचा दी यार, कसम से इतना को मुझे गंदे बाल लग रहे हैं ना। मैंने उसको बोला है भाई जब भी मैं करवाता हूँ मेरी एक दो इस साइड से पीने लगती हैं, दो इस साइड से पीने लगती हैं और दरमियान से बाल जो है ना वो यूँ खड़े हो जाते हैं, और फिर बंदा साइडों से मशीन फेरता है। उसने यहाँ से पीने लगा दी और यहाँ पर मेरे बाल एक साइड पे कर दिए। मैं कहा चलो अभी कर देगा, मगर उसने क्या किया जी यहाँ से मशीन पकड़ी और उसने यहीं से उठा दिए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। यार क्या सारे बालों की जो है निस्त बज गई है। अब कोई बात नहीं, रमज़ान तक वेट करते हैं, यानी कि रमज़ान आने में एक महीना, ओह सॉरी, यानी कि रमज़ान आने में दो तीन दिन ही रह गए, और आगे जो है फिर ईद आने में जो है एक महीना रह जाएगा, तो एक महीने तक शायद हो जाए। मगर जो मैंने आपको बाल आपको सुबह दिखाए थे ना कि मेरे बाल इतने हैं, ये देखो अभी भी लेंथ उतनी ही है। ये लो पता नहीं उस बंदे ने क्या काटे और यार किस चीज़ के पैसे लिए हैं। मुझे बिल्कुल बेकार तरीन कटिंग लगी है, बिल्कुल बेकार तरीन, इतनी गंदी कटिंग लग रही है ना। वो जो इतनी पप्पू बच्चे मैंने जिस तरह की करवाई है उस तरह की उसने सुनी नहीं। उसने कहा भैया आपके पर इस तरह की चलेगी, मैंने उसे कहा हालांकि जीरो करनी है साइडों से, मगर उसने क्या किया जी हेलो इतनी इतनी साइडें रख दी हैं यार। मुझे अपने ऊपर घिन आ रही है यार, एक तो मुझे लगा कि नहाऊंगा तो बाल जरा शायद सेट वेट करूंगा तो अच्छा लगूंगा, अब बाल सेट वेट किए तो मैं उससे भी ज़्यादा गंदा लग रहा हूँ। अजीब हरकतें हैं यार दुनिया वालों की भी, मगर ठीक है यार चलता कोई बात नहीं, दुनिया और कभी ना कभी तो ऐसा होता है, हर इंसान के साथ होता है। चलो ये फर्स्ट टाइम आपके भाई के साथ भी एक्सपीरियंस हो गया तो कोई बात नहीं। बाहर नहा लिया, रेडी शेडी हो गए, जाना हमने कहीं में भी नहीं है, आज भी हम वेले ही हैं। बाहर हाल करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस ये हमने आज कटिंग करवाई है आज के दिन की, और बस फिलहाल तो मैं कहता हूँ कि यार अभी मैं बंद कर देता तो कैमरा, और अब मुझे लग रहा है जी मुझे आपके भाई को ना जो है टोपी पहनी रखनी पड़ेगी 24 घंटे। मैम मुझे गंदे बाल लग रहे हैं, हाँ गलती की है कटिंग करवा के, इतने प्यारे इतने बड़े बड़े बाल होते थे यार आपके भाई के। देखो एक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये इस साइड की लेंथ है, ये देखो ये बिल्कुल यहाँ तक, और ये देखो